लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। मैच में रविवार को उस वक्त बड़े अजीब हालात बने गए जब खराब एयर क्वालिटी की वजह से मैच को रोकना पड़ा। दरअसल श्रीलंकाई प्लेयर्स ने पॉल्यूशन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की और 58 मिनट के भीतर चार बार खेल रुकवाया। भारत की इनिंग के दौरान लाहिरू घमागे 122वां ओवर कर रहे थे। इसी दौरान तीन बॉल फेंकने के बाद वे थोड़ा परेशान दिखे और मैच रुक गया। घमागे का हाल देखकर श्रीलंकाई कप्तान दिनेश चांडीमल ने अंपायर्स के पास जाकर खराब एयर क्वालिटी की शिकायत की। वे मैदान से बाहर जाना चाहते थे। इस दौरान करीब 20 मिनट तक मैच रुका रहा। हालांकि मैच रेफरी डेविड बून ने फील्ड अंपायर से बात करने के बाद खेल दोबारा शुरू करा दिया। मैच रुकने के वक्त विराट मैदान पर ही खड़े थे। वे भी अंपायर के पास गए और उनसे बात की। इसके बाद वे मैदान पर ही लेट गए और रिलैक्स करने लगे। ज्यादातर श्रीलंकाई प्लेयर्स ने मास्क पहन रखा था, लेकिन इसके बाद भी वे पॉल्यूशन की शिकायत कर रहे थे। वहीं विराट काफी कूल लग रहे थे। उन्होंने फील्ड पर ही एक्सरसाइज करना भी शुरू कर दिया। टेस्ट क्रिकेट की 140 साल की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ जब कोई इंटरनेशनल टीम एंटी पॉल्यूशन मास्क पहनकर खेली।